तो वहीं उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, कई मुद्दों को लेकर के हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं का अपमान हुआ है। जो इंडी अलायंस है, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है, और मैं तो ये कहूंगा इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए हैं। देखिए, कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा ये घमंडिया गठबंधन के नेता, जो इंडी गठबंधन है उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म को। तो वहीं एआईसीसी की लोकसभा प्रभारी किरण चौधरी के दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से वन टू वन मुलाकात की है, साथ ही प्रत्याशी चयन को लेकर के फीडबैक लिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नहीं है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में प्रत्याशी चयन के लिए फीडबैक लेने के लिए एआईसीसी की समन्वयक दौसा पहुंची हैं और कांग्रेस के पदाधिकारियों से वन टू वन संवाद किया जा रहा है। जो विधानसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको यहां पर बुलाया जा रहा है और उनसे संवाद किया जा रहा है ताकि क्षेत्र सही तरीके से हो सके। हमारे साथ एआईसीसी की समन्वयक साथ हैं। मैडम, फीडबैक का आपका आधार क्या है, किस तरह फीडबैक लिया जा रहा है और इसको प्रत्याशी का सही चयन हो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? देखिए, अब सारे तरीके तो मैं आपको बता दूंगी तो फिर कैसे पता फिर तो सबको पता चल जाएगा, वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी यहाँ पर हम सबसे मिल रहे हैं, जो जीते हुए MLA हैं, जो हारे हुए हैं, जो प्रत्याशी जो अपना आवेदन कर रहे हैं उनसे, जो हमारे जो जीते हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे जो संगठन के जो लोग हैं उनसे, और कोई भी आके मुझसे मिलना चाहता है, वो यहाँ पे खुली छूट है, आके मिलें, अपना जो है वो विचार रखें और अपना फीडबैक मुझे दें। और उसके साथ साथ हमारी टीम्स जो हैं वो इलाके के अंदर बगैर किसी को बताए वो अपने आप निकल जाएंगी, निकल रही हैं, काफ़ी जगह निकाल दी हैं, वो सारा वो फीडबैक भी मेरे पास आ जाएगा। कितने दिन हो गए आपको राजस्थान में, राजस्थान का माहौल कैसा नज़र आ रहा है? क्या वास्तव में सरकार के खिलाफ माहौल है या पक्ष में माहौल है, कैसा लगा? 3-4-5-6 दिन तो हम जो हैं राजस्थान के अंदर लगा चुके हैं। 7 पार्लियामेंट जो है मेरी जिम्मेवारी दी गई है, तो आप जानते हैं बहुत लंबा क्षेत्र है, करीब 60 सीटें हैं उसके अंदर, तो सारा समय तो लगेगा ही, तो जल्दबाजी में मैं ये काम करना नहीं चाहती, इसलिए हर एक दिन एक एक दिन मैं सारी जगह दे रही हूँ। और बाकी जहाँ तक माहौल की बात है, बहुत अच्छा माहौल है और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है कि ये पहली बार ऐसे होगा कि राजस्थान के अंदर जो है एक इतिहास बनेगा और दोबारा से जो है कांग्रेस सरकार जो है वो बनेगी। तो